गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क फ्रूट एंड नट चॉकलेट्स, जो देखने साथ साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लग रही है। पीछे से ऐसा दिखता है, देखिए बहुत ही अच्छा रैपर है ब्लू कलर का। पिछली बार मैं बबली सिल्क लई थी, आज हम करेंगे इसका। इस चॉकलेट में कोकोवा भी डला है गाइस, देखिए रैपर बहुत ही अच्छा है। इसे ग्रीन साइड मिला है, मतलब ये वेज है। इसको खाने से कैलोरीज लिखी हुई 96%। पीछे से ये ऐसे दिख रही है, यहाँ पे इसके कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क लिखा है। डो नॉट स्टोर अबव टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है गाइस। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा कोकोआ लाइफ और हेल्प्स। आपको कोकोआ पेड़ बचाना चाहिए जिसलिए से चॉकलेट बनती है, नहीं तो एक दिन चॉकलेट सारी खत्म हो जाएगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी लेके आप सेटिस्फाई नहीं होते, इस पर टोल नंबर दे रखा है, वेबसाइट ईमेल एड्रेस दे रखा है, इस पर कॉन्टेक्ट कर से फीडबैक दे सकते हैं। यहाँ पे इसके न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन दे रखी है, खाने से जो जो मिलता है सब यहाँ पर लिखा, कितनी मात्रा में मिलता है सब लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत से लाइसेंस नंबर एड्रेस और लिखा हुआ है, सप्लायर के नंबर एड्रेस अलग जगहों के सबके एड्रेस और लाइसेंस दे रखे हैं यहाँ पे गाइस। आपको इसको कूल हाइजीन ड्राई प्लेस पे रखना है। लाइसेंस नंबर दे रखे हैं यहाँ पर। इसकी प्राइस की बात करते हैं गाइस, इसकी प्राइस 80 रुपीज़, 80 रुपये मिलती है आपको। यहाँ पे एक्सपायरी डेट, पैकेट डेट, यूज डेट सब लिखे यहाँ पे, कोड नंबर दे रखा है इसका। इसका नेट वेट है 55 ग्राम, 55 ग्राम का है नेट इसका। चलिए इसे खोल के देखते हैं, खा के टेस्ट करते हैं, टेस्ट कैसा है। वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करिएगा, ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन पुश करिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो आते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए इसे खोल के देखते हैं और खा के टेस्ट करते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ये देखिए गाइस ये खुल रही है, ये मैंने खोल दिया इसको, देखिए डेयरी मिल्क के कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। इसको तो आपको फ्रिज में रखिए और बस निकाले और खा लिए, इसको आप रख नहीं सकते। ये देखें इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी आती है, देखें मैंने इसे आज रेफ्रिजरेटर में रखा था फ्रिज में, तो देखिए ये एकदम अच्छे से जम गई है, रैपर ही चिपक गया है, ये मेल्ट हो जाती बहुत जल्दी इसलिए रैपर इसके ऊपर चिपक गया है। इसको अच्छे से उतार लेती हूँ मैं। देखिएगा इसे बाहर थी, देखिए मेल्ट हो गई, मैंने इसको फ्रिज में रखा पर इसका पूरा टेक्सचर बदल गया, देखिए इसकी शक्ल ही बदल गई है। कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क फ्रूट एंड नट्स, चलिए इसे खा के देखते हैं, बाहर से ऐसे दिख रही है। अब हम इसको खा के देखते हैं इसका खाने में इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही हार्ड हो रही है गाइस, ये टूट नहीं रही है, देखिए एकदम पत्थर की जैसे हो गई। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसमें, बहुत ही ड्राई फ्रूट का टेस्ट आ रहा है। ये खाने में बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है, हेल्दी भी क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट डले हैं, तो ये सेहत के लिए भी अच्छी है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे अच्छी लगी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो साथ, जब तक के लिए बाय बाय।